नमस्कार गाइस। ये क्वेश्चन सीजेसएल 2020 में पूछा गया। ट्राई करो आप लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में एक ऐसा कुछ अजीबोगरीब सा संरचना बनी हुई है। इसमें देखोगे तो इन द फिगर क्या बोल रहा है कि इन द फिगर एसी, जो ये एसी है वो इसके पैरेलल है, यानी एसी और डी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और सी ए पी इक्वल टू, सी ए पी जो 2a का वैल्यू है, 2a का वैल्यू वो कितना देगा, 38 डिग्री। यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 19। ये तो आप लोगों को मालूम होगा ही, 19। वेरी गुड। क्या बोल रहा है, ए बी सी, ए बी सी यानी कि b निकालना है, एंगल b प्लस और क्या निकालना है आपको, 5 CBD, 5 CBD यानी कि 19 × 95। सो एंगल बी बस निकालने तो काम हो जाएगा हमारा। एंगल बी कैसे निकालेंगे कि देखो यहाँ पे अगर जेड का जेड की संरचना बन रही है, यानी कि अगर एक दो लाइन्स हैं, ठीक है, वहाँ से आप एक लाइन खींचते हो, ठीक है, तो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है, ठीक है। तो सिमिलरली आप देखोगे तो हमें इसमें निकालना है, तो हम इस लाइन को लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि दो लाइन्स हैं और ये एक लाइन, यानी कि हमें 2a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 38 डिग्री मालूम है। यानी कि अगर इस लाइन को आप सीधा निकालोगे तो ये सेम संरचना बन गई, ये सेम फिगर यहाँ जो बना है वही बन गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये 38 डिग्री अगर यहाँ पे है तो ये भी 38 डिग्री यहाँ पे होगा। तो हमें पता है कि एक जो लाइन होता है वो 180 डिग्री का होता है, अगर के कोई बीच में पॉइंट है तो ये भी लाइन है, ये 180 डिग्री का है। 180 में से ये कितना माइनस करना पड़ेगा, तो हम बी निकालने के लिए, इसमें माइनस कर दो 7 और 4 × 5, यानी कि इसमें से इतना माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा और 7 में से 5 जाएगा 2, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। तो ये हो जाएगा 123 और 95 प्लस 95 जो कि ऑलरेडी है। यहाँ पे मैं बस बी का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 123, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 11 और ये 218 है कि ऑप्शन है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का एक।